मत्रो मत्रो भाई लैजाउ न अब सँगै त न बाइक मन पर्दैन शिट गरे चल आराम से हां दिस इज रोमवंग किचन एंड अभी रोमवंग किचन को टाटा गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है भाई. मतलब साइड देते तो अच्छा रहता यार. मतलब पैसा खत्म, बत्ती गुल, ट्रिप कैंसिल, घर चलो. अरेगा नेपाल में ना खाने को लेकर बहुत ही महंगा यार. रूम तो जो रूम तो हालांकि ठीक ठाक प्राइस में मिल ही जा रहा है, इनफैक्ट वहीं से भी कम, बट खाने पे मार देता है. ये कहाँ आ गए? क्रॉस फायर हमें ऑफ रोड करा रहा है एक्चुअली निंजा और एंटार्क का, बट यहाँ पे ओ गाड़ी फंस गया एक्चुअली यहाँ पर. ओ भाई मेरे निंजा आ पाएगा? जाएगा जाएगा, आराम से जाएगा, बस थोड़ा सा संभल कर करना पड़ेगा. यह आ गया निंजा है भाई. ओ सिलेंडर ये चेक करें. ओ हो गया भाई, लग गया एल लग गया. थोड़ा सा एडवेंचर होगा भाई. हाँ लग रहा है एडवेंचर, थोड़ा नहीं बहुत. अब देखना आगे चल के देखते एक बार. रॉक का जाएगा जाएगा. उधर क्या? उधर देखना पड़ेगा. जा रहे हैं ना तो चलो. हाँ चलो आ जाओ. रक बाय बाय रक. तो गाइस मैं उसके बाइक से निकल गई क्योंकि इतना ये दर्द करता है. बाय बाय रक. आप अकेले से अभी रोड तो क्यों है ये तो अंत है. लोजी ला काठमांडू में एडवेंचर. ये चेक करेगा इस यहाँ का ना पाइप ही ब्लास्ट हो चुका है. ओके खतरा है. वी अबाउट टू रीच द प्लेस जहाँ से हम चाय की चूस के लेकर काठमांडू वैली का लुफ्त उठाएंगे. फिर कहाँ गए इनारू? ए जान जा कि ना जाते ना. कि ना क्या डर सो जाते ना. ओ भाई साहब गाइस ये चेक करे अपना लेफ्ट साइड पर. सो ब्यूटीफुल यार, सो ब्यूटीफुल. ल अब चाहिँ उतिन्दा हुन्छ. के भयो यसको दहिलो अड्किन्छ मेरो पेन. खतरा खतरा भ्यू खतरा. त्यही त मजा आयो दामी. ए जुस लिएर पनि मिल्छ? मिल्दैन मिल्ने त, पब्लिक प्लेसमा ड्रिङ्किङ अलाउड छैन नि. अँ त्यसो सही हो. अब कति टाढो? दुई मिनट यसरी अठाइरहेको थियो क्या, यसरी अठाइरहेको थियो नि त दाइले. यसरी अठाउनु ल दाइ भने पनि यसरी चलो गाइस अभी थोड़ा ऊपर चलते हैं, डट का एक्सपीरियंस लेते. लो पूजा मिस पूजा शिफ्ट भाई. अब निंजा बड़ा अफेर हुन्छ मलाई उ त उठ्ना बाटोमा अफेर रे रेट्सेट गो. और यहाँ पर तो सिर्फ टू व्हीलर का ही जलवा दिख रहा है हमें, बट ज़्यादातर ना गाइस हमें पल्सर दिख रहा है यहाँ पर. पल्सर ये बंदा अभी मेरा दोस्त हम तुमसे प्यार करते हैं. मेरा दोस्त तो छोड़े से कौन प्यार करेगा? चलता फिरता एक छोड़े
रॉक और पूजा अभी भी यहाँ पे फ्लड करता हुआ ऑन द गो। हमी कता जाने हो? त्यता होला ए उयाँ रहेछ ह्यापिनिङ प्लेस भनौँ न। क्या चीज़ क्या चीज़ क्या करा सके निंजा पर ये 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 बाय 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 आराम से वो तो ठीक है। फर्स्ट टाइम मैं चलाने जा रहा हूँ क्रॉस फायर। चलो इसको फायर करते और गायब होते यहाँ से। चलो हमारे सूरज देवता चलो हमारे सूरज चक्र को बोलते हैं नमस्कार और ओम नमः शिवाय जय श्री राम जय। इट्स टाइम टू रॉक इट्स टाइम टू रॉक रॉक लामा इट्स टाइम टू रॉक। ये तो चलता फिरता एक घोड़ा है और ये थोड़ा सा इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से इसको घुमाएंगे। आप चढ़ो भैया ल आरामले आरामले रक आरामले ओ क्या करे चल आराम से। हाँ अम्मा मामा मामा मतलब रॉक ले रॉक कर दो आठ दोस्त अंदर ठीक है वो पहले बेसिक होता है तो मैं चल लेंगे चल दी दे चल दी दे इतना तेरा जाने रही जन्द हो अभी राजकुमार भाई को पूरा उदान तेज़ तेरे भागो साइड हाँ ऐसा अलग आती छोएगी मैं वी वी चल दिया अलसा पहले तेरे ट्रॉनिंग में से बोटा नंबर आने वी किधर से बंद होगा पागल है ये क्रॉस फायर भाई उसको लग रहा है ये पागल है मुझे लग रहा है ये पागल है ऐसा लग रहा है दोनों ही पागल है। मजाक मत करो ना अरे देख सुनो ना बता दो Oh my god! Guys! This is extreme! दिक्कत यहाँ पे होगा कि हम इसको कैसे रोक कर कंट्रोलिंग करें क्योंकि ना इसका जो हाइट है ओके ये सही है एंड अब ऑफ कैसे होता है चाबी लगा कर ये एंड अभी मुझे करना क्या है उतरना है एंड देन उस तरफ लेके जाना है अब उतरने के लिए ये चेक करो अब उस तरफ लेके जाओ चलो ये हुआ पहले न्यूट्रल में डाल देते अभी क्योंकि खड़ा हो गया ना थोड़ा सा और आज पहली बार भी इसलिए हाइट का थोड़ा सा इश्यू रहा है या न्यूट्रल पर लग गया। अब क्या होगा चढ़ना है बस स्टार्ट करना है गियर भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा एक्चुअली सो थोड़ा सा प्रॉब्लम या चलो शिट गिर गए भाई ओ फक तेल लीक हो गया रे
चलो फिर से न्यूट्रल कैसे गिरा अब यार पता नहीं गिर गए हम सीखते एक्चुअली आराम से कंट्रोलिंग में ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओ माय गॉड ओ ये चेक करेगा इस गाइस सनसेट हो चुका है ये चेक करें सामने की ओर हल्का सा मुझे ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है और यहाँ पर मिस पूजा चाय के चूस के लेते हुए मिस्टर रॉक भाई को तो आप कौन भूल सकता है बताओ रॉक कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि पूजा को मैं अभी इंडिया लेके जाऊँ पक्का लेके जाए क्योंकि ये मान गई है ना हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन टू रॉक एंड पूजा हैप्पी मैरिड लाइफ भन्दिन न हैप्पी मैरिड लाइफ अभी मंदिर जा रहे हैं ना तो चलो हम रेडी है यानी साथ में यहाँ पे भी थे क्या भन्छ त्यसलाई जन्ती 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 रेडी छ यहाँनिर होइन गाइस इट्स टाइम फॉर ए चाय एंड चाय की चुस्की लेकर फिर हम यहाँ से निकलते टुवर्ड्स अपने रूम की ओर थंबनेल की ओर एंड कल के लेकर ना थोड़ा सा यहाँ पे मतलब माहौल गर्म होता हुआ बट जो भी है हम आपको अपडेट कर देंगे और इट्स रियली ग्रेट चाय मीठो दामी है पूजा निंजा की सेनोरिटा ल रॉक अब के गर्ने भन लैजाउनु अब सेनोरिटामा बाइक मन पर्दैन अरे स्कुटी मन पर्छ अरे अब नेक्स्ट टाइम नेपाल आउँदा अरे स्कुटी लिएर स्कुटी लिएर आउनु पर्यो नि त अब भनेपछि एन्टोक एन्टोक आउनु पर्यो नि त अब दाइ एउटा गर्ने एकछिन ल हाल्नु त अलराइट इट वाज रियली प्लेजर मिटिङ यु सेम हियर फेरि भेट्नु पर्छ भेट्नु पाउँला अझ जाना पनि भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ किप सपोर्टिङ किप लभिङ पक्का पक्का कस्तो भन्छ इन्जोय गर्नुहुँदैछ ब्लगहरू अनि नेपाललाई पनि माया गर्नु होला पक्का डु भिजिट नेपाल मौका पायो भने हामी दार्जिलिङमा भेटौँ ल प्लान गर्नुहोस् होइन कहिले कहीँ आउनुभयो भने इन्फर्म अस विल बी देयर फर यु ल गडा सी यु ल अर्को पालि आउँदा चाहिँ कपाल अझै लामो बनाएर आउँछु ल 10 वर्ष भन्छु त्यति बेला चाहिँ चली 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 आगे बढी आगे बढी थोड़ा सा रफ रोड नैरो रोड छोटा रोड होकर काठमांडू की गलियों से गुजरती हुए अभी ओ सो पक्का हुन्छ पुगेर जाने रहेछ लङ राइड हुने भयो अब अहिले भक्तपुर भक्तपुर देन भेरी उता उता थमेल चलो इस बीस्ट को भी करते हैं टाटा बाय बाय यार मौका मिलने पर लाइफ में खरीदेंगे हम ये हाँ तब प्रॉपर मतलब अपना होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं चलाने में यूज़ तो हो ही जाएंगे बट फिलहाल के लिए हमने सॉरी आई एम सो सॉरी हमने आपको गिरा दी थोड़ा सा पेट्रोल भी यहाँ से लीक हुआ था बट अब सही है तो या फिर मिलेंगे गाइस बाय बाय ल मेरो भाइ सी यू ल पक्का ल भेट्दै गरौँ हुन्छ ओके सी यू भेट्नुपर्छ आएपछि टेक केयर रक मत्रो यार रक मत्रो मत्रो भाइ मेरा भाइ मत्रो फिर मिलेगा सच बताओ दिल में इसके लिए प्यार है कसम से प्यार वो तो मुझे कल ही पता चल गया था पर क्या करें हम दोनों दोस्त हैं इस ये बोला
ये चाहते हैं कि हम दोनों दोस्त बन के रहे और हम भी चाहते हैं कि दोस्त बन के रहे। अगर रिलेशन में आ जाएंगे ना एक दो दिन के बाद, पहले तो प्यार होगा, उसके बाद फिर जो झगड़ा होगा ना, फिर उसके बाद फिर रिलेशन ख़त्म, उससे ऐसे दोस्ती में ही ठीक है। ये देखो दोस्त का प्यार और मोहब्बत। मेरा दोस्त अच्छे से जाना, बाय बाय। सुखी मने थे आप लोग। हुन्छ होइन, राम्रोसँग गर्दैछ उसले, हाइवेमा त छु नि म, हाइवेमा त अब यसको यो यसको स्पिडसँग हिँड्नुपर्छ उसलाई, उसले कहाँ कुदाउनु पाउँछ, त्यही त आरामले कुदाउँछ। चलो रक फिर चल्थ्यो, दुःख लाग्दैछ क्या हो हा भनिदेऊ। चलो आज चाहिँ उहीँ रहेछ कि टर्निङ, त्यहाँबाट टर्निङ लिनुपर्छ ल, हिजोको ला होइन जिपिएस हाल केटा, अब याद त कहाँ हो राति हो। एन्ड दिस इज अवर लास्ट नाइट इन काठमाडौँ। एन्ड अभी ना एक्चुअली रॉक और मुझे अच्छे से प्लान करना पड़ेगा कि कल का क्या करे बोलकर, क्योंकि अब यहाँ पे भी हम नहीं रुक सकते एंड बजट भी पूरा डाउन हो चुका है। बजट इसलिए डाउन हो चुका है कि क्या बताए भाई आपको, अब इस बार जो नहीं सोचा था वो हुआ। एंड ये देखो काफ़ी चिल्डनेस मुझे फील हो रहा है, अभी हम विंडशील्ड नहीं पहने हुए तो ठंड लग रहा है यहाँ पर, सही बता रहे, बट चेस्ट गार्ड के माध्यम पर हमने अपने बैकपैक को आगे रखा है, तो इससे क्या हो रहा है मेरा चेस्ट तो सेफ है, मेरा चेस्ट सेफ है। एंड मैं ना अपना चेस्ट को काफ़ी सेफ रखने का कोशिश करता हूँ जब भी राइड करता हूँ, क्योंकि यार बीमार नहीं होने मुझे। सो गाइस, जब से थामिल काठमांडू आए ना तब से हमने कॉफ़ी एक बार तो इन्होंने पी, तब से मैंने ना चाय ना कॉफ़ी कुछ भी नहीं पी, तो इट्स टाइम फॉर अ कॉफ़ी ब्रेक। एंड हम पहुँच चुके थामिल अपने होटल के वहाँ, और बताओ रॉक कैसा दिन गया आपका? दिन बहुत ही अच्छा गया, बिकॉज सभी अच्छे लोगों से मिले थे, स्पेशली पूजा, रुमंग दाई। रुमंग दाई लाइक बहुत चिल्ड है ना, बहुत चिल्ड आदमी, एकदम रमाइलो रमाइलो करने आदमी छ। एंड बट सैड एंडिंग रहा रॉक का, क्योंकि रॉक को रोना पड़ा पूजा से बिछड़ने के चलते, वो एक्टिंग कर रहा था ना। दिल की बात हम बता नहीं सकते ना, एक्टिंग एक्सक्यूजेस में बदल देना चाहिए, बदल देना। पर हमारे यहाँ सबसे बड़ा एल लगे हुए है गाइस, हाँ कल निकलना था हम लोग को मुस्तांग। अभी तो बस दो भाई पहले रूम पे जाएंगे, डिसाइड करेंगे करना क्या है, उसके बाद प्लान आगे बढ़ाएंगे। इफ नॉट यार लग गए भाई, अभी तो होटल का भी पैसा देना है, एक्चुअली होटल का भी लगभग हो गया 3600 पॉकेट में गाइस 5000 क्या बोलते हो? माथा खराब हो रहा है भाई, मतलब इतना एक्सपेंसिव खाना है यहाँ पर। अब ये कॉफ़ी खाए ये भी शायद 100 से ऊपर है, 100-300 होला शायद, दूटा दो मिला के 300 लग गया भाई। तो चलो जो भी हो, अब पहले कॉफ़ी लिए थे, उसके बाद फिर रूम पर जाकर डिसाइड करके आपको बताएंगे। तो सिर्फ